रुक्मणी नाम की उस राक्षस का वध करने के लिए मेरे अंदर जो डर है ना, उसे मैं मारूंगी। मेरे अंदर जो रौद्र रूप है ना, उसे मैं जगाऊंगी। मेरे हमशक्ल होने का जो फायदा उसने उठाया है, मैं भी वैसा ही करूंगी। उसे उसी के बाहर से मैं हराऊंगी। और उसने जो तेरे बाबा और मेरे बेटे के साथ किया है ना, उसे उसकी कड़ी सजा मिलेगी डोरी, जरूर मिलेगी। सच माई, आप सच में गंदे ठकुराइन का रूप लेंगी? माई, आज शाम महादेव की महाआरती के लिए ठकुराइनी मंदिर जरूर जाएंगे, तो आप उनकी जगह हवेली में जा सकती हैं। हाँ डोरी, मैं हवेली के अंदर जाऊंगी और मजले ठाकुर के मुंह से तेरे पापा की मौत का सच जरूर निकलवाऊंगी। मैं चाहूंगी स्मार्टफोन जो आपने मांगा था। अरे ठकुराइन जी अभी तो गई थी मंदिर। आप सवाल पूछ रहे हैं आप हमसे? जानते हैं ना हम कौन हैं? कैलाशी ठकुराइन हैं हम। ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, वो हमसे नहीं, बाहर वालों से पूछेगा, समझे? अपने काम पर ध्यान दीजिए। सुनो जी, बैठक की सारी लाइटें बंद कर दो और जब तक हम ना बोले किसी को अंदर नहीं आने देना। जी। और हाँ, आनंद से कहना हम उसे बात करना चाहते हैं। जाओ। जी। दूरी। आपने बुलाया? देखिए क्या इतना खुशी का दिन है, आप अंधेरे में क्यों बैठी हैं? खुशी तो मिल गई आनंद, बस अब सुकून मिल जाए इसलिए यहां बैठी हूं। मां, आपके सारे दुश्मन जा चुके हैं, अभी कोई आने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है आनंद। टोरी नाम की एक तलवार अभी भी हमारे सर पर लटकी हुई है, और वो औरत जो कोर्ट में आई थी गवाही देने, अगर वो लौट कर आ गई तो ये सच सबके सामने आ जाएगा कि हमने ही गंगा को मारा है। मां, अगली सुनवाई में आप पूरी तरीके से निर्दोष साबित होंगे। तो ये गुस्सा है ना, उस लड़की के लिए बचा कर रखिए। और ये देखिए ना आप, अरे ये देखिए आप, कल के अखबार में जो खबर फैलने वाली है ना, पूरा बनारस इसको पढ़ने के बाद ये जान जाएगा कि आपने गंगा का कत्ल नहीं किया। ये देखिए, फिर चाहे वो डोरी जो है रोती रहे चिल्लाती रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये गंगा, गंगा, ये क्या हुआ क्या आपको?
अरे एक ही महीना हुआ है गंगा को मरे हुए, भूल गई हैं आप उसको? यही तो है ना उस सड़क चाप डोरी का बाबा। आप ठीक तो है? पानी। पानी? हाँ। हम लेकर आते हैं। माइक को अचानक क्या हो गया? माइक, मुझे लगता है इनके चेहरे की पट्टी भी खोल दूं क्या? हाँ, खोल देते हैं। क्या अग्नि ही गंगा है? घर में इतना अंधेरा क्यों है? अब आपको पता चला सासुमा कि इस घर की रोशनी तो मैं ही हूँ। देखो जब मैं नहीं होती तो कितना अंधेरा छा जाता है। हो गया, आप खड़े खड़े हमारी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाकर लाइट जलाओ। जी सासुमा। कोई तो था यहाँ, हमें एहसास हुआ। माई तो चली गई, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? इस आसुमा भी ना कभी भी प्यार से एक बार भी नहीं बोलते कि हाँ कोमल बाबू तू है इस घर की रोशनी। हमारे घर में क्या कर रही है? क्या कर रही है यहाँ? रुक, तुझे तो मैं सासू माँ से कहकर ना उल्टा टंगाऊंगी पेड़ से। और अब तो तेरी मंदिर वाली आंटी भी नहीं आएगी यहाँ पे तुझे बचाने के लिए। चल। नहीं छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। एक आखिरी बार डोरी से मिली, फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ए भाई हटाना सामने से।